321 एडी में कॉन्स्टेंटाइन राजा ने प्रथम रविवार का पालन कानून जो था घोषित किया है, जिसे हम संडे लॉ बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पिछले संदेश में हमने सीखा था पिरगमन के बारे में, पिरगमन का जो पहला भाग था उसके बारे में सीखा था। हमने सीखा था पिरगमन के का परिचय के बारे में, अर्थात इतिहास के बारे में, और पिरगमन के जो अर्थ है, पिरगमन का अर्थ है उसके बारे में, और पिरगमन के समय काल के बारे में जो है हमने सीखा था। और आज हम जो सीखेंगे पिरगमन का, ये दूसरा भाग है, और इसके चौथे पॉइंट से जो है हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। अगर आप पिरगमन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 12 से लेकर 17 पद तक जो है आप पढ़ सकते हैं और अपनी बाइबल को जो है वो निकाल सकते हैं। पिरगमन का जो चौथा जो पॉइंट है वो है कलीसिया के दूत का नाम। पिरगमन की कलीसिया के दूत का नाम क्या है, हम इस बात को सीखेंगे। देखिए, हमने दूतों की बात हमने पहले भी कर चुके हैं। जब एक लंबा समय, एक लंबा टाइम पीरियड होता है तो दूत के नाम जो होते हैं वो मेंशन नहीं किए होते हैं, और जब लंबा पीरियड हो जाता है कि उस समय कौन रहा है, क्या रहा, तो बहुत से कलीसियाओं में जो है दूत के नाम नहीं दिए गए। ये पिछले संदेश में हम देख चुके हैं। यहाँ पर जो है पिरगमन की कलीसिया का देखिए समय काल क्या रहा, लगभग 226 वर्षों तक रहा है, जैसा पिछले संदेश में आपने सुना है। और इस समय जो है बहुत से दूत रहे होंगे। देखिए 226 साल का समय, इसका मतलब बहुत से दूत नियुक्त किए गए होंगे। मगर जब कलीसिया का आरंभ होता है तो पहला जो दूत होता है बात उसकी होती है और उसके विषय में चर्चा होती है। तो यहाँ पर जो सातों कलीसियाएं हैं, इन सातों कलीसियाओं का जो प्रथम दूत है ये उसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि फिर जो होता है जो उसने किया या जो उसने कार्य करा है तो उसके अनुसार वो कार्य आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए पहले दूत की बात होती है। परंतु यहाँ पर जो है इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे या कोई भी चीज पढ़ेंगे, दूत का नाम मेंशन नहीं किया गया है। और मैंने आपको पिछले संदेश में भी बताया कि किसी भी कलीसिया का दूत जो है, कोई भी जो ये कलीसियाएं बनी है, ये कोई दूत नहीं है। ये पिरगमन की कलीसिया का कोई भी दूत नहीं है, बहुतों ने नाम दिया है, और वो यूरोप से नहीं होगा, ये भी मैंने आपको बताया, वो एशिया से होगा और प्रेरित होगा और प्रभु का वो सेवक कहलाया जाएगा। और 313 में कॉन्स्टेंटाइन ने क्या करा, मसीह लोगों को स्वतंत्रता दे दी, और तब उसने खुद क्या करा, उसने मसीह धर्म को अपना लिया था। देखिए कॉन्स्टेंटाइन जो था वो सबसे पहला मसीह धर्म को अपनाने वाला एक सम्राट था, रोम का जो सम्राट था उसने बना लिया था। रोम के अंदर जो थी, देखिए दो चीजें हुआ करती थी सम्राट के हाथ में, एक राज सत्ता और एक धर्म की सत्ता, दोनों का वो मुखिया हुआ करता था। उसके जो धर्म सत्ता थी उसके नीचे आर्च बिशप जो था वो उसके अंडर में काम करता था, वो सारी तैयारी करता था, पूजा पाठ करता था, समय निर्धारित करता था, सब कुछ। और राजा जो था फिर वो मुखिया था, क्योंकि दोनों चीजों का, राज सत्ता का भी और धर्म सत्ता का भी, और फिर वो जो था धर्म सत्ता में धर्म के कार्य में लिप्त हो जाता था या धर्म के कार्य को वो पूरा करता था। तो कॉन्स्टेंटाइन ने जो तरह जो आर्च बिशप था उसको क्या करा, उसने सारे धर्म की जो बातें थी वो सब उसको सौंप दी, जो वो बिशप के नाम से जाना गया। जब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जब कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट जो था, जब से लोगों को स्वतंत्रता दे दी और राज सत्ता और धर्म सत्ता अलग हो गई, तो जो उसका आचार्य बिशप था तो उसको जो था उन्होंने बिशप की एक पदवी दी और वो धर्म गुरु कहलाया, वो सबसे बड़ा धर्म गुरु जो कहलाया है। 314 एडी से लेकर 538 तक जो था रोम के द्वारा जो है इस सेवक नियुक्त किए गए हैं। याद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम दूतों की बात कर रहे हैं। रोम के द्वारा जो थी जब धार्मिक जो सत्ता थी, तो वहां पर, यहाँ पर पिरगमन के लिए दूत स्थापित नहीं किए गए, जो सेवक नियुक्त किए गए हैं ये पिरगमन की कलीसिया का जो समय काल रहा है ये उसके दूत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि रोम ने अपने धार्मिक कार्य के जो उसके 28 वो रहे ये उनके हैं, क्योंकि इतिहास के अंदर पिरगमन का जो सही माने में दूत है, जिससे प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह वर्णन कर रहा है, उसके बारे में कहीं डिटेल देखने को नहीं मिलती है।
ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको जो रोम ने करे, जो धर्म के सेवक नियुक्त करें वो बता देना चाहता हूँ। पहला जो उन्होंने करा है सिल्वेस्टर फर्स्ट है, 31 जनवरी से लेकर 314 एडी से लेकर 31 दिसंबर 335 तक जो था वो रहा, यानी 21 वर्षों तक वो धर्म गुरु रहा रोम का, ठीक है। जो रोम ने जब धार्मिकता को अपना लिया, कॉन्स्टेंटाइन ने, उसने जिस तरीके से अपनाया उसकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरा रहा है बिगलियस, 29 मार्च 537 एडी से लेकर 7 जून 555 तक रहा, यानी 18 वर्षों तक धर्मगुरु रहा। इन 28 में से मैंने पहले का और आखिरी का नाम आपको बताया, क्योंकि अगर सारे 28 का बताऊंगा बहुत क्या कहते हैं नाम हो जाएगा, बहुत बड़ा संदेश हो जाएगा, हो सकता है फिर आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लगने लगे, इसलिए मैंने सिर्फ पहला और आखिरी आपको बताया है। अब हम बात करेंगे पिरगमन की कलीसिया के समय काल के दौरान तीन मुख्य बातें हुई हैं, ये जरा समझने की बात है कि तीन मुख्य बातें हुई, वो कौन सी तीन मुख्य बातें हुई हैं। पहली, 321 एडी में कॉन्स्टेंटाइन राजा ने प्रथम रविवार का पालन कानून जो था घोषित किया है, जी हाँ, जिसे हम संडे लॉ बोलते हैं, आप इतिहास में भी देख लीजिएगा, संडे लॉ जो है उसने ये पारित करा 321 एडी में, कॉन्स्टेंटाइन राजा फर्स्ट ने जो करा है, उसने घोषणा की सब न्यायकर्ता, और देखिए घोषणा किया क्या की गई है, ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि पिरगमन की कलीसिया को क्या है, एक जो मसीही समाज है, जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, जो उस शब्द का जो पालन करते हैं, तो ये रवि पालन की जो बात आई है ये कहां से आई है, तो उसने करी है, मैंने इसलिए आपको डेट भी दी है और किसने करा वो भी। अब घोषणा क्या की गई है, सब न्यायकर्ता और नगर निवासी तथा व्यापारी सूर्य के नीचे इस पवित्र दिन में अपने कार्यों से विश्राम ले लें, ठीक है। 7 मार्च 321 एडी में राजा की आज्ञा के अनुसार जो है वो दिया गया है। तो दूसरी जो बात हुई है संत सिरिसियस के द्वारा जो हुई है 11 दिसंबर 384 एडी से लेकर 26 नवंबर 399 तक का समय काल रहा, यानी 14 वर्ष का, इस समय से लोगों ने क्या करा, आचार्य बिशप को, जो बिशप था उसको जो है उन्होंने पापा या संत पापा कहना आरंभ कर दिया, जो रोम का जो बड़ा बिशप हुआ करता था राजा के नीचे, सबसे ऊपर राजा होता था उसके नीचे धर्म गुरु की बात है, उनको उन्होंने जो था इस डेट में पापा कहना जो था या संत पापा कहना आरंभ कर दिया था। तीसरा जो है 538 में सम्राट जस्टिनियन फर्स्ट जो था बाइजेंटाइन साम्राज्य के मुखिया थे, 538 एडी में धर्म की सत्ता राज सत्ता से अलग हो गई 538 में, और उसके जो आचार्य बिशप थे वे पोप बने तथा इसी समय से रोमन कैथोलिक चर्च का उदय हुआ। पिरगमन की कलीसिया में ये बात मुख्य रूप से थी। तो ये जो है पिरगमन की कलीसिया का इतिहास रहा है, ये पिरगमन का जो बात रही है कि किस तरीके से चर्च जो है डिवाइड हुआ है और दो भागों में बढ़ गया है, मसीही मंडली अलग हो गई और जो एक रोमन कैथोलिक चर्च का जो है वहां से उदय हुआ है, और इस तरीके से रोमन कैथोलिक चर्च और मसीह मंडली जो रही है वो अलग रही और प्रकाश में आई है और उनका उदय हुआ है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मसीह समाज के अंदर जो भाग हुए हैं, बंटवारे जो हुए हैं, किस तरीके से होते चले गए हैं। जब हम परमेश्वर के संदेश को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, खासतौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो वो इन चीजों का वर्णन करता है। खासतौर से ये जो समय काल दिया गया है, सातों कलीसियाओं का जो समय काल दिया गया है, ये जो है मसीह समाज को विभाजित करने का, यानी मसीह समाज को बांटने का समय है, यानी अलग अलग ग्रुप में बनते चले गए। यहाँ पर पहला ग्रुप बना है, फिर दूसरा ग्रुप बना है, फिर तीसरा ग्रुप बना, ऐसी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम इस बात को सीखते चले जाएंगे कि वो ग्रुप कैसे बनते चले गए और कैसे मसीह समाज बहुत से ग्रुपों में बट गया, और बहुत से ग्रुप में बंटकर वो क्या हो गया, वो उसने अपने अपने सारे अपने अपने नाम से, अपने अपने सोच से, अपनी अपनी समझ से उन धर्मों को या उन कलीसियाओं को स्थापित कर और वो उनका मुखिया बन गया है। ये आगे भी हम बहुत सी चीजों को देखेंगे, और तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।